श्री शिवाय नमस्तोभ्याम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को हम इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 3 से 9 नवंबर तक कोशीकला में होने वाली है, जो कि मथुरा के पास है, ब्रजभूमि में कथा है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 से 9 नवंबर तक प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको 26 अक्टूबर अश्विन माह की प्रदोष की तिथि के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपायों की जानकारी देंगे, जिसमें एक गुरु प्रदोष का विशेष उपाय शामिल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन अगर प्रदोष पड़ती है उस दिन किया जाता है। तो यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है, आप अंत तक बने रहें। कुछ नए उपाय शामिल हैं, कुछ गुरुजी ने पिछले साल कथाओं में बताए थे वे उपाय शामिल हैं, और इन उपायों को आप प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव मंदिर की पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है। गुरुजी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जो कि प्रदोष के दिन किए जाते हैं, पर इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 3 विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जो कि आप इस गुरु प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई एक उपाय करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको एक से अधिक उपाय करना है तो आप वह भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले गुरु प्रदोष के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की ओर। उपाय जानने से पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनको हड्डियों से संबंधित परेशानियां हो तो रोग मुक्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। जिनको नेत्रों से संबंधित परेशानियां हो, मस्तिष्क से जुड़ी परेशानियां हो, तो भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुवार की जब प्रदोष पड़ती है तब कर सकते हैं। मतलब गुरु प्रदोष का यह सबसे स्पेशल और अचूक उपाय है। आपको अपराजिता का पुष्प लेना है, नीले कलर का पुष्प रहता है, अपराजिता का पुष्प लेना है, उसमें आपको हल्दी लगा लेना है। मतलब हल्दी में अपराजिता का पुष्प को लगा लें, हल्दी अपराजिता के पुष्प में लगाने के बाद आपको शिवालय जाना है, और नंदी भगवान का जो उठा हुआ पांव होता है, मतलब शिवालय में जो नंदी होते हैं उनका जो उठा हुआ पांव रहता है, वहाँ पर आपको इस पुष्प को अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। और आप चाहो तो गुरुजी ने यह भी कहा है कि लिंग पुराण में वर्णन मिलता है, अगर आप उस पुष्प को उठा के लाते हैं और उस पुष्प का आप नहाने के पात्र में डाल के उससे आप स्नान करते हैं तो पूरे शरीर में हड्डी से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, उसमें आपको लाभ देखने को मिलता है। या फिर आप वहाँ पर अर्पित भी कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं। उपाय आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इस उपाय को आप इस गुरु प्रदोष मतलब 26 अक्टूबर के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरु जी ने सभी से प्रदोष के दिन एक विशेष नियम अपने जीवन में अपनाने को कहा है, और इस विशेष नियम को आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट और बीमारियां तो दूर होती ही हैं, साथ में घर में धन वृद्धि भी देखने को मिलती है। प्रदोष का यह सबसे अच्छा और विशेष और अचूक नियम है। आपको बस यह करना है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय जो होता है, यह समय प्रदोष काल कहलाता है। और आपको प्रदोष काल में शिवालय में जाकर एक दीपक प्रज्वलित करना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गोल बाती का एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, और दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करना है। मतलब आप अपने मुख्य द्वार के बाहर की ओर बैठे हैं, आपका मुख्य घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। प्रदोष के दिन 2 दीपक आपको लगाना है, एक शिवालय में लगाना है, दूसरा आप अपने घर में मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर लगा सकते हैं। मात्र इतना कर देने से प्रदोष के व्रत के साथ साथ आपको जो फल मिलता है वह आपके जीवन में आनंद और सुख की अनुभूति करा देगा। गुरुजी का यह नियम आपको हर प्रदोष में, मतलब प्रत्येक प्रदोष में अपने जीवन में अपनाना है। सिर्फ 2 दीपक लगाना है। अगर किन्हीं कारणवश आप अब मंदिर जाकर दीपक नहीं लगा पा रहे हैं तो आपके घर के जो मंदिर में शिवलिंग होती है उसके सामने भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस आपको 2 दीपक प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। हाल ही में नागपुर में संपूर्ण हुई शिव पार्वती शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने प्रदोष के दिन प्रदोष काल को महादेव को अपने द्वार में बुलाने वाला एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच में एक खाली स्थान होता है, जो कि 64 योगिनियां, 8 सिद्धियां, 9 निधियों का स्थान होता है। अगर आप उस स्थान पर स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोल देते हैं या फिर भोलेनाथ को अपने घर के लिए आमंत्रण करते हैं तो भोलेनाथ प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपके घर में नंदी में बैठकर आते हैं, यह निश्चितता है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप
किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, उस स्थान पर स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना बोल देना है। बस इतना ही करना होता है। कामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। बस इतना कर देने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिवलिंग में कुछ ऐसे विशेष स्थान हैं जहाँ पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।